तो मेरा आज का वीडियो आपकी माथेरान ट्रिप बनाएगा इजी, सुखमय एंड ऑसम। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। मैं आज आपके साथ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, अगर वो देख के आप माथेरान गए तो आपकी ट्रिप हो सकती है ऑसम। मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको माथेरान जाने से पहले सोच में या ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है और जिसके वजह से आपकी ट्रिप यादगार बन सकती है। जब भी कभी हमें ब्रेक चाहिए रहता है, मन को तरोताजा करना रहता है, नॉर्मल रूटीन से हमको जब बाहर आना रहता है तो हम क्या करते हैं, तो हम घूमने निकल पड़ते हैं, बाहर जाते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं। पिकनिक हमारे मन को तरोताजा करती है, फ्रेश करती है और उसके साथ साथ हम वहाँ से प्यारी प्यारी मेमोरीज लेके जाते हैं। और हमने जो खुशी के पल बिताए हैं हमारे पिकनिक में, वो खुशी के पल लेके हम घर में जाते हैं और वही खुशी के सहारे हम हमारे नेक्स्ट नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू करते हैं। पर अगर क्या हो कि अगर आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ऑसम होने के बजाय अगर सैड हो, तो हम वहाँ से सैड मेमोरीज लेके जाएंगे, हमारा पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज, एक एक करके मैं आपको सब पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं माथेरान ट्रैवलिंग। तो माथेरान कैसे आए, तो उसमें दो है, एक है बाय कार और दूसरा है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको नेरल स्टेशन तक आना है, नेरल रेलवे स्टेशन, और उसके बाद वहाँ से नेरल से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टॉय ट्रेन से आ सकते हैं, टॉय ट्रेन वो डायरेक्टली आपको माथेरान लेके आती है, पर अभी फ़िलहाल टॉय ट्रेन बंद है क्योंकि उनका कुछ काम चल रहा है, तो टॉय ट्रेन आपके लिए तो अवेलेबल है नहीं। तो दूसरा ऑप्शन अभी आपके लिए है कि नेरल स्टेशन के बाहर से प्राइवेट व्हीकल्स मिलते हैं जो आपको माथेरान तक छोड़ देते हैं। तो ये हो गया बाई ट्रेन अगर आप आ रहे हो तो, और अगर आप बाय अपने खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो तो आपकी गाड़ी आएगी खाली दस्तूरी पार्क तक। ओके, दस्तूरी पार्क में कार पार्किंग है, वहाँ पे आपको आपकी गाड़ी पार्क करनी होती है और वहाँ से अपनी गाड़ी पार्क करके बाद में आपको अमन लॉज करके रेलवे स्टेशन है, टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है वो, मतलब आपको दस्तूरी पार्क से एक 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा और वॉक करने के बाद आपको अमन लॉज स्टेशन आएगा, वहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिलेगी जो आपको माथेरान लेके जाएगी। और अमन लॉ से माथेरान रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 minutes। और हाँ, जो यहाँ के टॉय ट्रेन है उसके भी टाइमिंग्स होते हैं, तो आप कभी भी ऐसे नहीं कि आप आ गए और उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो माथेरान आने से पहले वो टॉय ट्रेन्स के टाइमिंग्स है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो में, वो टॉय ट्रेन्स के टाइमिंग आप देख लीजिए क्या क्या टाइम पे है और अकॉर्डिंगली आप अपने घर से निकलने का प्लान कीजिए। ट्रेन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप नेरल में रेलवे स्टेशन से मतलब बाय ट्रेन आ रहे हो तो आते वक्त तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप यहाँ से जाते हो नेरल स्टेशन से वापस मुंबई में, तो तभी क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड ट्रेन अवेलेबल होती है, तो इसके लिए बहुत भीड़ होती है वो ट्रेन में, तो वो एक पॉइंट है कि आपको आपका सामान लेके चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो एक पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिए। तो आपको लगेज वो हिसाब से कम ही लाना पड़ेगा कि आप जो नेरल से माथेरान आने के लिए बीच में घाट लगता है जहाँ से हम गाड़ी लेके जाते हैं दस्तूरी पार्क तक, वो जो घाट है ना वो थोड़ा सा वहाँ पे 2-3 शार्प टर्न्स है, विच इज़ नॉट ईजी। अगर आप ड्राइविंग एक्सपर्ट नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकती है, बहुत सारे उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इसकी ध्यान में ये बात आप ध्यान में रखिए। मैं इसके लिए आप देखेंगे घाट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, आपको ऑफर देते हैं कि वो आपके लिए आपकी गाड़ी घाट तक वो चला के देंगे क्या, ऐसे ड्राइवर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये हो गया अपना ट्रैवलिंग पार्ट। अभी बात करते हैं सही समय या सही सीज़न कौन सा है माथेरान आने के लिए। तो अगर आप माथेरान आना है आपको, तो सीज़न अगर आप देखेंगे तो विंटर सीज़न और समर सीज़न में ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है, रेनी सीज़न में भी कंपैरेटिवली रहती है भीड़, पर इतनी भीड़ नहीं रहती है रेनी सीज़न में, क्योंकि यहाँ पे खाली रेनी सीज़न में ज़्यादा नेचर लवर्स और ट्रेकर्स लोग ही आना पसंद करते हैं। और अगर सही समय अगर मैं बोलूँ तो माथेरान अगर आपको आना है तो सही समय ओनली वीकडेज है, नॉट वीकेंड्स। अगर आपको वीकेंड्स अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है और इतनी सारी भीड़ में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसके लिए वीकडेज इज़ द बेस्ट टाइम। और यहाँ पे जो भीड़ रहती है वो भीड़ खाली लोगों की ही नहीं होती जो घूमने आते हैं, पर उसके साथ साथ लोग घूमने आते हैं तो घोड़े से निकल पड़ते हैं बाहर लोग घूमने के लिए, तो लोगों की भीड़, घोड़ों की भीड़, तो भीड़ में आप अगर यहाँ पे पीस के लिए आए हो, सीरेनिटी के लिए आए हो,
नेचर एंजॉय करने के लिए आए हो तो वो सही तरीके से सही अंदाज से अब वो नेचर आप वो सीरेनिटी एंजॉय ही नहीं कर सकते वीकेंड्स में। तो अगर आप वीकडेज मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप वीकडेज में ही आना। दूसरी बात ये है कि अगर आप वीकडेज में आ रहे हो तो यहाँ पे वीकडेज के चार्जेस अलग होते हैं और वीकेंड्स के चार्जेस अलग होते हैं। वीकडेज के घोड़े के चार्जेस अलग, वीकेंड्स के घोड़े के चार्जेस अलग, वीकडेज के होटल स्टे के चार्जेस अलग, वीकेंड्स के होटल स्टेज के चार्जेस अलग। कूली हो, बग्गी हो, कोई भी हो, इनके चार्जेस वीकडेज और वीकेंड्स के, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है, यू कैन से डबल हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप वीकेंड्स में ना आते हुए वीकडेज में आओगे तो आप क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाओगे और आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स टू कैरी। माथेरान में जाते वक्त हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए? टेम्परेचर देख के आप विंटर क्लोथ्स लेना है या नहीं लेना है ये तो आप डिसाइड कर लेंगे, पर माथेरान में खाली वो ही देखना ज़रूरी नहीं है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप माथेरान में जाते वक्त लेनी बहुत ही ज़रूरी है। पहला है प्रॉपर शूज़। प्रॉपर शूज़ होना आपके पास बहुत 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 ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला जैसे यहाँ पे कॉन्क्रीट रोड्स कहाँ पे भी नहीं है, सब जगह कच्चे रोड है, वो भी लाल मिट्टी से बने हुए रोड है। तो अगर आप स्लीपर्स और सैंडल्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो आप सोचिए भी मत। फैंसी चप्पल सैंडल्स नो वे, वो तो कभी टूटेंगे बोल भी नहीं सकते। और अभी ये हो गई प्रॉपर शूज़ की बात, अभी बात करते हैं स्कार्फ। आप जब माथेरान आ रहे हैं ना तो आप स्कार्फ या कोई बड़ा सा दुपट्टा या बड़ा सा कपड़ा लीजिए, क्योंकि वो आपको आपके फेस में रैप करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी को डस्ट की एलर्जी है या डस्ट से प्रॉब्लम होती है तो ज़रूरी है आपको ये कैरी करना है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे पैदल चल के तो साइट सीइंग बहुत कम लोग करते हैं, पैदल चलते हैं तो इतना डस्ट उड़ता नहीं है, पर अगर आप तो जब हॉर्स में हम राइड करते हैं तो मिट्टी उड़ती है जब हॉर्स भागता है, और बहुत सारे टाइम पे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पोनीज यूज़ होता है, तो वो जब एक साथ जब पोनीज आते हैं ना कोई भी सामान लेके तो वो मिट्टी बहुत उड़ाते हैं, तो वो मिट्टी उड़ाने की वजह से हम जिनको डस्ट का प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीदिंग के लिए, या फिर आपका स्किन प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बार्गेनिंग पावर। अगर आप माथेरान आ रहे हो वीकेंड्स में तो आपके पास ये बार्गेनिंग पावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड्स में कोई यहाँ पे मूड नहीं रहता है कि वो आपके लिए पैसे कम कर दे, पर अगर आप वीकडेज में आ रहे हो तो आपके पैसों की बचत हो सकती है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साइट सीइंग। अगर आप माथेरान आ रहे हो तो आप पहले ये सोच लीजिए कि आप माथेरान क्यों आ रहे हैं, कि आपको रिलैक्स करना है खाली इसके लिए आ रहे हैं, या आपको खाली गाँव में मतलब नेचर जैसा आपको फील करना है, नेचर में रहना है, बस रिलैक्स करना है इसके लिए आना है, या आपको पूरा माथेरान देखना है, पूरा माथेरान एक्सप्लोर करना है इसके लिए आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कितने और कौन से पॉइंट देखने चाहिए। अगर आपको खाली नेचर में रहना है, रिलैक्स करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सब पॉइंट्स मत देखते बैठिए, आप सिलेक्टेड बेस्ट पॉइंट्स ही देखिए, जिसके वजह से आप थोड़ी बहुत नेचर वॉक भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत नेचर एंजॉय कर सकते हो और रिलैक्स रह सकते हो। और एक चीज़, अभी जब आप पॉइंट्स घूमने जा रहे हैं या पॉइंट्स सोच रहे कि कौन सा मैं पॉइंट्स देखूँ, तो आप क्या करते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं घोड़े वाले को पूछ लेते हैं बाबा कि कौन सा पॉइंट्स तुम हमें दिखाओगे, तो वो इतने 15-16 नाम बता देता है इतने इतने प्राइस में, तो हमें लगता है हाँ ठीक है 1000 रुपीज़ में इतना पॉइंट्स दिखा रहा है तो अच्छा है, 10 है 15, ऐसा हम पॉइंट्स सोचते हैं, पर रुकिए ऐसा नहीं होता है। मैंने यहाँ पे देखा कि ये पॉइंट्स कुछ अलग अलग कुछ नहीं होते, एक ही वैली रहती है जो अलग अलग साइड से अलग अलग एंगल से उसका व्यू रहता है, जो हमें एक ही टाइम पे मतलब घोड़ा आपको एक ही जगह पे छोड़ देगा और बोलेगा ये 4-5 पॉइंट इधर ही है, बाजू बाजू में ही रहते हैं, हार्डली कुछ डिस्टेंस में रहते हैं वो, मतलब वो एक ही वैली रहती है, एक इधर से एक यहाँ साइड से, ऐसा हमें दिखा देते हैं। तो जब आप घोड़े के साथ मतलब जब आप पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हो ना, तो मैं बोलती हूँ कि आप प्रॉपर गूगल सर्च कीजिए, और मैंने अभी आपके लिए मैंने माथेरान व्लॉग्स मैं बना रही हूँ जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द माथेरान पॉइंट कवर किए हैं, तो आप मेरा वो वीडियो देखिए जो अभी आएगा, और वो वीडियो देख के आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें से कौन से पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, या बस उतने ही पॉइंट्स सिलेक्ट कीजिए और उतने ही पॉइंट्स घोड़े से आप जा सकते हो और उसमें आप घोड़े वाले से बार्गेनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ होटल्स। अभी आप कौन से होटल में रहना पसंद करेंगे ये आपके चॉइस के ऊपर रहता है। अगर आपकी लो बजट ट्रिप है कि खाली आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखना है, आपको बस रिलैक्सिंग में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको खाली माथेरान घूमना है, तो आपके लिए माथेरान रेलवे स्टेशन के बाजू में ही बहुत सारे कॉटेजेस अवेलेबल है जो होम स्टे टाइप है, बहुत ही सस्ते हैं वो,
और वो अगर आपको थोड़ा नेचर में अंदर फॉरेस्ट में रहने को अच्छा लग रहा है, डीप फॉरेस्ट में, तो बहुत सारे पॉइंट्स के नज़दीक भी बहुत सारे होटल्स हैं। तो अगर आपको टेंट अच्छा लगता है, टेंटिंग करना है, तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा है कि आपको थोड़ा ओल्ड टाइप घर में रहना है, ओल्ड टाइप बंगलोज में रहना है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं जो होटल में रही थी, वेस्ट एंड होटल, वो भी एक ब्रिटिश एरा का आप है कह सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे वो उनके बंगलोज थे जिनको अभी कन्वर्ट किया होटल में। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वेस्ट एंड होटल का, वो बहुत ही मतलब मुझे एक पुराने ज़माने में लेके गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माथेरान कैसे घूमें। उसमें से पहला तरीका ये है कि आप पैदल चल के पूरा माथेरान एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सच्ची कहूँ तो मैंने यहाँ पे जब मैं रुकी थी तो मुझे बहुत सारे लोकल लोगों ने यही कहा कि माथेरान जो जगह है वो एक्चुअली पैदल चल के घूमने की ही जगह है। पर अगर आप माथेरान पैदल चल के नहीं घूम सकते तो कोई बात नहीं है, यू कैन टेक हॉर्स। और अगर आप पैदल जब चल रहे हैं पॉइंट देखते वक्त, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, ये बहुत ही सेफ है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है, जब हम पहली बार माथेरान आते हैं और पॉइंट्स चल के घूमने निकलते हैं, मोस्ट करके ज़्यादा करके वीकडेज में, तो ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो हमको डर लगता है। पर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे पूरा सेफ है, किसी का भी खतरा नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कल मैं सनसेट पॉइंट देख के 6:30 के आसपास सनसेट पॉइंट से निकल गई और एकदम तुरंत सडनली इतना अंधेरा हो गया, पर मैं पूरा एंड तक देखा कि कोई भी खतरे की बात नहीं थी और जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट्स भी थे। इसके लिए आपको पैदल चलने के लिए किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, आई होप आपकी माथेरान ट्रिप में मेरे ये पॉइंट्स ज़रूर हेल्प करेंगे। और हाँ, मेरे माथेरान ब्लॉग्स बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, उसे देखना ना भूले। तो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।